हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है षष्ठी, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी षष्ठी। तो मैं, आरू, हालदार, मम्मी सब रेडी हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी जोरहाट के लिए, क्योंकि जोरहाट से कोलकाता का हमारा फ्लाइट है 2:30 बजे। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। और आज ये है मेरा आउटफिट, कुर्ती और लेगिंग्स पैंट। और ये कुर्ती मैं काफ़ी जगह में पहनती हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा लूज है और आरुषि को लेके ना इसको कैरी करना मुझे मतलब इजी होती है, तो इसके लिए मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। तो अभी रेडी हो गई हूँ, मम्मी और हालदार बैठे हैं सोफा पे कार के लिए वेट कर रहे हैं। हर टाइम ना मेरा लगभग 10 से 15 मिनट, आधा घंटा मैं लेट रहती हूँ, पर इस बार हम लोग बहुत फर्स्ट हो गए हैं, बहुत बहुत जल्दी रेडी हो गए सब लोग। सबका टिफिन हो गया, लंच ले लिया, आरुषि का भी खाना सब कुछ पैक कर लिया, सब कंप्लीट। अभी गाड़ी आने से हम लोग निकल जाएंगे। तो कितना पसीना हो रहा है, काफ़ी गर्मी है। तो गाइस, आज मैं निकलने के लिए इतना खराब काम हुआ, क्या है ना, हालदार जब कार पे लगेज रख रहा था ना निकलने के टाइम ना, वो भैया ऐसे बंद कर रहा था, तो इसका ना नाक में थोड़ा सा चोट आई, तो थोड़ा क्या काफ़ी डीप हो गई वो जगह, तो काफ़ी पेन भी है। तो उसके बाद ना थोड़ी रास्ता जाते जाते आरुषि 2-3 बार वॉमिटिंग किया, तो उसको लेके मैं इतना परेशान थी कि रास्ते पे मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया। हम लोग ने उसको एयरपोर्ट पहुँचते फ़ौरन लंच करवा दिया, और वो इधर उधर घूम रही थी और इतनी बदमाशी कर रही थी, मतलब इतनी खेल कूद रही थी ना, मैं वीडियो तो छोड़ो, मतलब उसको संभालते संभालते मेरा और हालदार का कंडीशन पूरा ख़राब हो गया था। मैं सोचा कि प्लेन में चढ़ने के टाइम में वो जोरहाट का जो एयरपोर्ट है मैं दिखाऊँगी, पर जब अनाउंसमेंट किया फ्लाइट के लिए तब रिस्ट्रिक्टेडली मना कर दिया कि एयरपोर्ट में वीडियो करना अलाउ नहीं है, फ़ोटोशूट भी अलाउ नहीं है, बिकॉज उधर पास में जोरहाट का जो एयरपोर्ट है ना उसके साथ ही एयरफोर्स का ऑफिस है, तो इसके लिए एकदम रिस्ट्रिक्शन है, तो हम लोग फ़ोटो वोटो कुछ नहीं उठाए। और रास्ते पे ना काफ़ी सारा दुर्गा पूजा का पंडाल लगा था, और उसको देखते देखते बहुत मज़ा किया। और सबसे ख़राब बात ना, आज मेरा मतलब मेरा जर्नी पूरा मतलब पूरा टायर्ड वाला जर्नी था। आरुषि तो एकदम सो गई पीठ पे, पूरा मतलब एयरपोर्ट से लेके चार घाट तक पूरा ऐसे ही सो के आई, सामने भी नहीं बैठा, कुछ भी नहीं किया, पूरा ऐसे पीठ के पीछे सो के आई। तो हालदार गया फ्रेश होने, आरू है नीचे अपना दादा दादी के साथ, और मेरा छोटा जो अंकल जी का वाइफ है वो आई है, तो वो आंटी जी के साथ भी बात कर रही, आरुषि खेल रही है। मैं फ्रेश होके फिर जाऊँगी नीचे, आरुषि को खाना खिलाऊँगी। तो गाइस, आज है सप्तमी, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी सप्तमी। तो गाइस, कल के वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए टाटा बाय एंड सी यू।